हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे, आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश बुक लेसन 4, आइसक्रीम मैन। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबों को यह बताना चाहता हूँ कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है। इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुँचाना है जो सुदूर गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषयवार शिक्षा की कमी है और वह अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फ़ायदा ही मिलेगा। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। लेसन है आइसक्रीम मैन। उससे पहले 2-3 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। लिस्ट द ओकेजन्स व्हेन यू ईट आइसक्रीम। तो अवसर का नाम बताइए जब जब आप जो है आइसक्रीम को खाते हैं। दूसरा, विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट, नेम सम ऑफ द फ्लेवर्स दैट यू हैव टेस्टेड। तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सी आइसक्रीम अच्छी लगती है और कौन से फ्लेवर का जो है आइसक्रीम आपने अब तक टेस्ट किया है उसका नाम बताएं। और थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डू यू बाय आइसक्रीम, आप आइसक्रीम कहाँ से खरीदते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोयम। When summer's in the city and brings blaze of heat, तो जब शहरों में हमारे जो है गर्मी आ जाती है और हीट जो है, गर्मी जो है बिल्कुल चरम सीमा पर होती है, हमारे घरों में तपिश भरी होती है और ईंटों से जो है गर्मी निकल रही होती है, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रेवलिंग डाउन द स्ट्रीट। तभी जो है एक आइसक्रीम वाला आदमी जो है अपने ठेला गाड़ी पर लुढ़कते हुए गलियों की ओर प्रवेश करता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, अपने गोले से छाते के अंदर। ओह, व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिलिंग द कोन्स विथ माउंट्स। तो कितना सुंदर वह दृश्य होता है जब वह कोन्स में आइसक्रीम को भर रहा होता है, ढेरी लगा रहा होता है, देखने में कितना अच्छा लगता है। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, तो उस ठंडे ठंडे भूरे से उजले से वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को देख करके। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और ठंडे ठंडे जो पीने के पदार्थ होते हैं ते पदार्थ को देख करके कितना अच्छा लगता है। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, वो बोतल जिसमें जो है ठंडे पदार्थ जो हैं भरे रहते हैं, पीने वाले ड्रिंक जो है भरे रहते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, जो कि अलग अलग कलर में होते हैं, हरे होते हैं, संतरे कलर के होते हैं, उजले कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। तो अलग अलग पेय पदार्थ बोतल में सजे रहते हैं। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, और उसका ठेला गाड़ी तो ऐसे लगता है कि फूलों का बिछाना हो, इस प्रकार देखने में लगता है। ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज, जिसमें कि गुलाब और स्वीट पीज सजे होते हैं। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और बच्चे तो इस प्रकार से उन्हें घेरे रहते हैं उस ठेला गाड़ी को, ऐसे लगता है जैसे कि वो मधुमक्खी अपने छत्ते में जो है रहते हैं, इस प्रकार से वो घेरे रहते हैं बच्चे उस ठेले गाड़ी को। तो आइए देख लेते हैं जो नए वर्ड आए हैं उसकी मीनिंग देख लेते हैं। पहला है ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईंट। दूसरा है ब्लेज, ब्लेज मीन्स प्रदीप्त, लौ की तरह चमकना। तीसरा है ट्रंडलिंग, ट्रंडलिंग मीन्स आवाज के साथ धीरे धीरे। चौथा है साइट, साइट मीन्स दृश्य, नज़ारा। पांचवा है कोन्स, कोन्स मीन्स शंकु। छठा है माउंट्स, माउंट्स मीन्स टीले, ढेर। सातवां है फ्रस्टिफीज, फ्रस्टिफीज मीन्स शीतल पेय। आठवां है क्लस्टर अराउंड, क्लस्टर अराउंड मीन्स घेरा बनाना। नौवां है थिक, थिक मीन्स घना, गाढ़ा। और दसवां है हनी बी, हनी बी मीन्स मधुमक्खी। आइए अब 2-4 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हु सेल्स द आइसक्रीम, आंसर होगा द आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज द आइसक्रीम मैन गो, आंसर होगा द आइसक्रीम मैन गोज ट्रम्बलिंग डाउन द
स्ट्रीट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड? आंसर होगा, द आइसक्रीम मैन हैज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। फोर्थ क्वेश्चन है, हु फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन? आंसर होगा, चिल्ड्रेन फील जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन। आइए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो पहला है एज ब्लू एज, आंसर होगा स्काई, एज ब्लू एज स्काई। दूसरा है एज टॉल एज, आंसर होगा जिराफ, एज टॉल एज जिराफ। तीसरा है एज ग्रीन एज, आंसर होगा ग्रास, एज ग्रीन एज ग्रास। चौथा है एज ब्लैक एज, आंसर होगा कोल, एज ब्लैक एज कोल। पांचवा है एज फैट एज, आंसर होगा पिग, एज फैट एज पिग। छठा है एज हार्ड एज, आंसर होगा डायमंड, एज हार्ड एज डायमंड। सातवां है एज ह्यूज एज, आंसर होगा एलिफेंट, एज ह्यूज एज एलिफेंट। आठवां है एज स्वीट एज, आंसर होगा एज स्वीट एज हनी। नवा है एज कूल एज, आंसर होगा एज कूल एज आइस। दसवां है एज डम्ब एज, आंसर होगा स्टैचू, एज डम्ब एज स्टैचू। ग्यारह है एज ओल्ड एज, आंसर होगा बनियान, एज ओल्ड एज बनियान। बारहवां है एज सॉफ्ट एज, आंसर होगा कॉटन, एज सॉफ्ट एज कॉटन। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। थैंक यू।